PSL की बात करते हैं। PSL में आप कराची किंग्स के कप्तान थे और बड़े अच्छे तरीके से टीम को लेकर चल रहे थे, फिर आपको हटाकर बाबर आजम को कप्तान बनाया गया, शायद किसी ने कहा था इसके लिए, तो इस पर भी आपको बड़ा अफसोस हुआ होगा कि यार अच्छी तरह मैं टीम चला रहा था और मुझे कयादत से इस तरह से हटा दिया गया। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। आई थिंक सलमान भाई मेरे बड़े भाई की तरह, कोई ऐसा मसला नहीं। ये मेरे से सब कुछ गो थ्रू हुआ था, मेरे से डिस्कशन के बाद ही ये अनाउंस हुआ था। सो वो उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने ऑनर किया क्योंकि उन्हें ये पता है कि मैंने किस तरह सर्व किया कराची को। सो मेरे लिए भी ऑनर था कि उन्होंने मुझसे पहले पूछा, मुझे बताया नहीं, मुझसे पूछा, मेरी इजाज़त थी उसमें। सो इट डजंट मैटर, वो तो हो गया। देखें अब नया साल जब आएगा, करीब करीब आएगा, तो वो कहते हैं ना किस करवट बैठती है, तो देखेंगे किस करवट बैठती है। तो अगली PSL के लिए आपने क्या सोचा है, कराची किंग्स से ही खेलेंगे या टीम चेंज करेंगे? नहीं, अभी आप देखें ना, अभी तो जुलाई का महीना चल रहा है, सो यू नेवर नो क्या हो जाता है 6 महीने में पाकिस्तान क्रिकेट में हो जाता है, ये तो फ्रेंचाइज क्रिकेट तो बहुत दूर की बात है। सो अभी तो देखें, फ्यूचर का तो अल्लाह को पता है, मैं आपको सच दिल से बात करूं, फ्यूचर का तो अल्लाह को पता है, किसी इंसान को नहीं पता, ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना इवन ना चेयरमैन को पता है, ना प्राइम मिनिस्टर को पता है, दुनिया के किसी इंसान को नहीं पता। सो फ्यूचर का अल्लाह ताला डिसाइड करते हैं, फ्यूचर का मैंने कभी नहीं सोचा। हाँ, उस वक्त जब वो टाइम आएगा सो उस वक्त वो करेंगे, लेकिन अभी कराची से खेला हूँ, कराची का पार्ट हूँ, कराची मेरे दिल में है और अभी तक तो कराची किंग्स ही है। बाबर आजम से कैसे ताल्लुकात हैं आपके? तो ये सर मेरे साथ तो देखे, हम लोग तो 2015 से खेल रहे हैं साथ। आई डोंट नो कि क्या लोग बना रहे हैं या क्या रीजन है, मेरे साथ तो कोई ऐसे ताल्लुकात ना खराब हुए हैं ना कभी हुए थे। सो आई थिंक ये सब कुछ तो कुछ लोग भी ऐसे जी मिर्च मसाला थोड़ा लगा देते हैं, छोटे भाइयों की तरह है मेरे, और हमने साथ क्रिकेट के लिए खुद ग्रूम होते, मैंने देखा है उसे, और मैं खुद भी जब क्रिकेट खेला था तो मैं भी जब अरूज में था तो उसने भी देखा। सो वो बिल्कुल कोई ऐसा मेरी नज़र में कोई ऐसा इशू नहीं है। बाकी बाबर ही आपको सही बता सकता है, I'm 100% sure वो भी यही बात कहेगा, और रिस्पेक्ट एलिमेंट हम दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि लोगों की नज़र में कोई इख्तलाफात हो, लेकिन हमारी नज़र में अभी कोई इख्तलाफात नहीं है, रिस्पेक्ट एलिमेंट है और सारा कुछ वैसे ही है जैसे पहले। बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें इधर उधर की जो डिफरेंट लोग कर रहे हैं, वो अल्लाह की तरफ से। वैसे आपका छोटा भाई अब तो बड़ा पावरफुल हो गया, तीनों तरफ का कप्तान बन गया है। खैर, इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। आपने जब क्रिकेट शुरू की तो उससे पहले आप डॉक्टरी की तालीम हासिल करने का सोच रहे थे, क्या अब अफसोस होता है कि काश मैं डॉक्टर इमाद वसीम बन जाता तो इस तरह के मसाइल का सामना तो नहीं करना पड़ता? नहीं नहीं सलीम भाई, अल्लाह ने इतना नाम, इतनी इज्जत, इतनी शोहरत, पैसा, सब कुछ तो दिया है, और मुल्क से खेलने का जो मजा है वो तो आई एम श्योर के आप भी, ये जब जर्नलिस्ट आप भी जब बाहर जाते होंगे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको कितना प्राउड फील होता है। सो इस मुल्क ने सब कुछ दिया है मुझे, इस मुल्क से बढ़ के कोई नहीं है, ना मैं हूँ, ना बाबर है, ना कोई और है। सो ये मुल्क सबसे पहले, उसके बाद हम लोग सारे हैं, तो कभी 1% अल्लाह मेरा जानता है कभी रिग्रेट नहीं किया, और बल्कि मुझे तो बड़ा मज़ा आता है जब ये चीज़ें मेरे साथ इस तरह हो रही होती, क्योंकि एक वक्त था जब मैं पाकिस्तान से नहीं खेला था, मैं बताता चलूँ आपको कि इसी तरह मेरे साथ चीज़ें होती थी और इसी तरह मुझे कहते थे कि नहीं ये कहाँ से आ गया उठ के, और मतलब निगलेक्ट कर दिया था मुझे सब ने, लेकिन वही हंगर, वही पावर, वही सब कुछ उसी को अपने जहन में बिठा के तो मैंने फोकस किया और मैंने कहा आई विल प्रूव एवरीवन रॉन्ग, एंड आई एम श्योर ये जो चीज़ चल रही है पिछले 1-1.5 साल से जो भी है, इट्स मेकिंग मी इवन मोर स्ट्रॉन्गर, ये मैं कह रहा हूँ आपको, और मैं हल्फिया तौर पे ये बात करूँ, मैं मजाक का या सिर्फ कहने का नहीं, ये मुझे और स्ट्रॉन्ग कर रही है, और ये मैं आपको बता दूँ कि मैं और इससे ज़्यादा तगड़ा होऊंगा, मैं इससे ज़्यादा मेहनत करूँगा और मैं इससे ज़्यादा कोशिश करूँगा, पाकिस्तान को इससे ज़्यादा सर्व करने की कोशिश करूँ। मेरे लिए ये छोटी छोटी चीज़ें, ये जो जिस तरह ये हो जाता है, मायने नहीं रखती, मेरे एम्स, मेरे गोल्स बढ़े, मैं पाकिस्तान क्रिकेट को देखना चाहता हूँ कि क्रिकेट चेंज हो, जैसे इंग्लैंड की क्रिकेट ने चेंज की है, जैसे सारी दुनिया चेंज कर रही है, सो मैं अपनी फाइट करता रहूंगा। शुरू में तो आप वसीम अकरम की तरह फास्ट बॉलिंग करना चाहते थे, फिर अचानक स्पिन की तरफ कैसे आए? मैं टेनिस बॉल से फास्ट बॉलिंग करता था, अच्छी खासी तेज करता था, सो
जब हार्ड बॉल से स्टार्ट किया तो वो तो बॉल ही नहीं तेज जाए, तो फिर मुझे किसी ने कहा अल्लाह उन्हें लंबी जिंदगी दे, उन्होंने कहा यार स्पिन शुरू कर दो, तो मैंने बस वो स्पिन शुरू कर दी और वहां से स्टार्ट हुआ सारा सिलसिला। तो अब लीग्स की तैयारियां हैं काफी, कैरेबियन लीग में भी आपका नाम शामिल है, श्रीलंकन लीग में भी आपका नाम शामिल है। नहीं देखें ऑब्वियसली बात है, मेरे जो भी मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ वो यही देख के करता हूँ कि मेरे लिए अपॉर्चुनिटी पहले पाकिस्तान की है उसके बाद। लेकिन अभी मैं 6-7-8 महीने से नहीं खेल रहा, मेरा CPL लाइंड अप है, एक दो और लीग उससे पहले हो सकता है लाइंड अप हो जाए। सो ऑब्वियसली बात है कि मुझे भी तो अपनी क्रिकेट देखनी है, मुझे भी कम्पेटिटिव क्रिकेट खेलनी है, मुझे भी वो करना है। दूसरा मुझे लीग में साइन इसलिए अब कर रहे हैं कि मैं फुली अवेलेबल हूँ, सो ये भी एक चीज है। तो आई थिंक 2-3 different चीजें हैं जिसपे सोच समझ के मैंने ये सारा कुछ किया। फैंस तो आपके बहुत हैं, सोशल मीडिया पर भी हम लोग देखते रहते हैं वैसे भी, और खास तौर पर खवातीन फैंस की तादाद आपकी बहुत ज्यादा है, तो वो लोग भी आपका हौसला तो बढ़ाते रहते होंगे। देखें जी उन सबको मैं कहता हूँ हर मुश्किल के बाद एक आसानी आती है, तो मुश्किल वक्त से गुजरना, या तो मैं होता कोई 40 years, 39 years, 38 तो मैं अपना मेंटली भी मैं कहता नहीं यार वो छोड़ दो, जो आपके जो आपका दिमाग कहता होता मोस्ट ऑफ टाइम वही है। सो आई एम 33, आई हैव स्टिल 5-6 मोर ईयर्स लेफ्ट इन मी, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इससे ज़्यादा मेहनत करूं, इससे ज़्यादा परफॉर्म करूं। सबसे बड़ी चीज़ कि मैं अल्लाह मुझे इससे डबल इज्जत भी दे रहा, तो मैं इंसान रहूं, हम्बल रहूं, और जो अच्छे वक्त में साथ देते हैं बुरे वक्त में साथ देते हैं उन सबको बराबर लूं। जो मुझे अभी भी बुरा समझते हैं या वो समझते हैं मेरे लिए सारे रिस्पेक्टफुल इंसान हैं। एट दी एंड इवेंचुअली आप यहाँ से इज्जत ही लेके जाते हो, क्योंकि कल को आप कहीं चले जाए तो पीछे से बंदा याद तो कहता नहीं यार इंसान अच्छा था। तो प्लीज़ मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि कभी कोई मुझे ये मत कहे कि इंसान अच्छा नहीं था। हालांकि मैं मेरे लिए बहुत ईजी है यहाँ बैठ के बहुत कुछ बोलना, और उस बात की वर्थ भी होगी, लेकिन मैं कभी भी किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता और कभी भी किसी किसी को बुरा नहीं कहूँगा। सबके अपने अपने दिमाग हैं, डिसीजंस हैं, अपने आप को लेके चलते हैं। बस जो मैंने एक बात कही थी कि लाइकिंग डिसलाइकिंग व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान क्रिकेट सिलेक्शन, तो थोड़ा ख्याल किया करें, पॉलिटिकली विक्टिमाइज होना या किसी और तरीके से विक्टिमाइज होना इट डजंट बॉदर मी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा रिस्क अल्लाह ने लिखा है और इंसान के हाथ में नहीं है, अल्लाह वसीला बनाता है, रिस्क तो अल्लाह ही देगा। बिल्कुल, हमारी भी यही ख्वाहिश है कि आपका कमबैक हो, और आपकी बातों से भी लगता है कि आप बहुत ज्यादा पुरअज़म हैं और इसी तरह मेहनत करते रहें, और जैसा आपने कहा ये इंटरव्यू तो वैसे ही सेफ होगा, आपको दिखाएंगे और दोबारा आपको सहमत दे के बताएंगे कि जी आपने ये कहा था, तो अच्छा महसूस हो गया कि उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद आपके वक्त का। वीडियो आप ये सेव करके रख लें या कुछ कर लें, मैं आपको ये बता रहा हूँ पाकिस्तान से तो मैंने खेलना है।